महाराष्ट्र के छिबरामऊ तहसील में चकबंदी अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ भगवंतपुर की चकबंदी प्रक्रिया निरस्त करने की मांग को लेकर किसान 18 दिन से धरने पर बैठे हुए थे। आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर छिबरामऊ तहसील परिसर में पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को समर्थन देते हुए उपजिलाधिकारी को अपने साथ बैठा लिया और कहा कि जब तक समस्या का निस्तारण नहीं होगा तब तक उपजिलाधिकारी हमारे साथ ही बैठे रहेंगे, और कहा कि किसानों की जमीन उनको वापस की जाए और चकबंदी को सही तरह से कराया जाए, नहीं तो रोड जाम की जाएगी। कन्नौज से आलम कुरैशी की खास रिपोर्ट। इसके लिए अगर आप समर्थन दे रहे हैं, क्या कहना है आप? यहाँ जो चकबंदी को लेकर के भ्रष्टाचार हुआ है उसके विरुद्ध संगठन, हमारा संगठन भारतीय किसान यूनियन किसान, जिलाध्यक्ष राजा शुक्ला के नेतृत्व में पिछले 18 दिनों से धरने पर हैं इसी तहसील में, और गांव में भी धरना किया किसानों ने। यदि प्रशासन किसानों की यहां से मांगे नहीं मानता है, अभी तो केवल यहां पर कन्नौज जिले के लोग हैं, धीमे धीमे पूरे प्रदेश से प्रत्येक जिले से पदाधिकारी और लोग बुलाए जाएंगे और पैदल यात्रा यहाँ से लेकर के कन्नौज तक प्रथम चरण में, अगर फिर भी नहीं सुनवाई होती है तो सीधे मुख्यमंत्री आवास के लिए यहाँ से पूछ। जैसा कि देखा जा रहा है दिल्ली में भी किसान बैठे हुए हैं और यहाँ भी किसान बैठे हुए हैं, क्या लगता है कि सरकार किसान विरोधी है? सरकार किसान विरोधी है? अगर सरकार किसान विरोधी नहीं होती तो अब तक किसानों की सुन ली जाती। हम तो ये चाहते हैं सरकार अच्छे नियम लेकर के आए, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करे, हम सरकार की प्रशंसा करेंगे। सरकार अगर चाहती है कि किसान उनको आगे भी चुनते रहें हैं तो किसानों के बीच में सरकार को आना होगा और किसानों को। जैसा कि देखा जा रहा है कि आपने अभी जिलाधिकारी को अपने साथ बैठा लिया और कहा कि जब तक हमारे मांगे कोई नहीं होगी तब तक आपको उठने देंगे, इस पर क्या कहना है आपका? जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, तहसील के मालिक हैं वो, उनके तहसील क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो जाता है और उप जिलाधिकारी को मालूम नहीं पड़ता है तो ये तो एक बहाना है उनका, या तो इसमें हिस्सेदारी उप जिलाधिकारी की भी होगी तभी इतना बड़ा भ्रष्टाचार होगा। थैंक यू।